हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। दोस्तों कैसे हो, बढ़िया होंगे आप लोग। जैसे कि दोस्तों आज कार्बोरेटर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसमें बड़ी समस्या आती है कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, प्लग काला हो जाता है, सेटिंग ढंग से नहीं बैठती, कार्बोरेटर कैसे खोल के साफ़ करना चाहिए। तो इसमें ना बहुत बहुत चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान देना, गौर करना और सुनना मेरी आवाज़ और किस तरीके से मैं कर रहा हूँ और कैसे ठीक करना होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे देखिए क्या होता है। तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। दोस्तों ये स्प्लेंडर का है, ओल्ड मॉडल का कार्बोरेटर, स्पेको कंपनी का है। और ये है अपना स्प्लेंडर प्लस का। स्प्लेंडर प्लस में दोस्तों ये अलग से पाइप जो है, निप्पल आपको दिख रही है, अलग लगी होती है। ये ईयर के लिए होती है। तो दोस्तों इसका पाइप कट जाता है तो गाड़ियों के अंदर बार बार बंद होगी गाड़ी, तो ये रीज़न होता है। इसके अंदर पाइप लगा होता है बड़ा सारा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये चौक है, जैसे चौक का स्प्रिंग दे लो, काम नहीं कर रहा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा चौक ऐसे चलता रहता है तो हम ध्यान नहीं दे पाते। तो गाड़ी का क्या होता है कि पेट्रोल पीती रहती है, प्लग शॉर्ट करती रहती है, बार बार दिक्कत आती रहती है। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं। आप देख सकते हैं मैं चौके बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो ये हमेशा ऐसे होना चाहिए। अगर ये ऐसा लगा रह जाएगा तो समझो पेट्रोल हमारा पिएगी गाड़ी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे भी खोल लेते हैं। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी गाड़ी की एवरेज या नहीं दे रही हो ना, तो इसमें ज़रूर चेक कर लीजिए काम कर रहा कि नहीं कर रहा। काम हमेशा ऐसे करना चाहिए जैसे ये कर रहा है। वापसी आ रहा है, इसमें वापसी नहीं आ रहा था। तो इसका ना स्प्रिंग जो होता है यहाँ से निकल चुका है। कभी कभी ये रोड भी जाम हो जाती है, तो इसको तेल तूल डाल के भी फ्री करनी होती है। तो पत्ती निकल चुकी है, इसको ऐसे तरीके से निकालना घुमा के। तो दोस्तों ये इसकी रोड निकल चुकी है, ये इसका स्प्रिंग होता है। तो ये स्प्रिंग बैठ गया है, तो इसको इस तरीके से करना, थोड़ा सा उठा के इससे हटा जाए। आ गया दोस्तों अपने आप। तो कभी स्प्रिंग निकल जाए तो पूरी रोड को बाहर निकाल के तब कीजिए। अगर ज़्यादा फ्री हो जाता है तो दोस्तों स्प्रिंग चेंज करना होता है, ये ध्यान रखना चीज़ के लिए। इसमें थोड़ा सा रेगमोल मार लीजिए, तेल डाल लीजिए, जाम होता है कभी कभी। पत्ती साथ में लगी होनी चाहिए। इस तरीके से पहले पत्ती लगा लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा काम कर रहा है ये। इस तरीके से, क्योंकि इसके साथ स्प्रिंग लग चुका है, तड़ आ चुकी है, तब ये पूरा काम कर रहा है। कार्बोरेटर खोलते समय
ये कार्बेटर है, ये इसकी पिन होती है ड्रिल पिन। दोस्तों अक्सर ओवर जब होती है ना, जब इसमें कचरा आ जाता है ना यहाँ पे, तभी ओवर होती है। जहाँ इसकी ये जो पिन होती है, ये रबड़ की पिन होती है, अगर ये फूल जाती है ना तो हमारा पेट्रोल डायरेक्ट हो जाता है और निकलती रहती है। कभी कभी हमें जुगाड़ करना पड़ता है, इसको ऐसे दबा, इसको ऐसे दबा, तो जुगाड़ू थोड़े दिन चलता है। मगर आप इसमें ना इसको नई नई चेंज कर दोगे, 40-50 रुपये जाती है तो आपकी ओवरफुल रुक जाएगी बिल्कुल ही। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और ये इसके जेड है, बड़ा जेड होता है। तो तार से अच्छी तरीके से देखभाल के साफ कीजिए, जिससे दिक्कत ना आए, सुराख कोई बंद ना होना चाहिए। ये दोस्तों स्लो जेड है, इसमें बारीक वाली तार मार के इसमें सुराख देखना होता है, सुराख बनते नहीं है इसके अंदर। जो भी काम करें सोच समझ करें, तार आर पार तार मारनी होती है, वायरिंग की टुकड़ा जो होता है वो मार के इसके अंदर साफ करें, बिल्कुल क्लीन करें, तब जाके ये साफ होगा। ये मिक्सर है, ये मिक्सर है ना, इसको ढंग से साफ करना जरूरी होता है। ये कचरा वचरा होता है जो, ये पेट्रोल की सेटिंग के काम आता है ये, तो इसको इस तरीके से साफ करें जो दिक्कत ना आवे और ये सही तरीके से टाइट हो जाए, काम पूरा करे। तो इसमें थोड़ी सी मट्टी मुट्टी लग जाती है ना, तो उसके कारण थोड़ी सेटिंग नहीं बैठ पाती। स्प्रिंग होता है इसके अंदर, ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छी तरह वॉश करके बड़े तरीके से इसकी ऑयलिंग चेक कर लीजिए, लीकेज तो नहीं है। दोस्तों ये चीज़ें होती है मेन ध्यान देने वाली, इसमें अच्छी तरीके से सफाई कीजिए बिल्कुल। ये आपके सामने ही है, काम कर रहा था ये। ये इसकी स्लाइड में दिखा देता हूँ, अगर दोस्तों ये ज़्यादा कट जाता है, ये कार्बोरेटर पिस्टन होता है, अगर ये ज़्यादा कट जाता है ना तो हमें कार्बोरेटर चेंज करना पड़ता है, जहाँ पर दूसरी गाड़ी का लगा के सेटिंग करनी पड़ती है। इससे थोड़ी सी रेस ओवर से रेस हो जाती है, जब ये लूज ज़्यादा हो जाता है, कट जाता है, तो लास्ट में हमें कार्बोरेटर चेंज करना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसका जो पाइप जाता है स्प्लेंडर प्लस में, वो ध्यान रखें। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी मिक्सर की सेटिंग कैसे की जाती है, तो वो भी देख लेना। तो दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ एवरेज के लिए, तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। जैसे कि दोस्तों ये कार्बेटर है, जैसे मैंने कार्बेटर की सेटिंग के बारे में बताया है, ये इसका मिक्सर होता है छोटे वाला, ये बड़ा होता है एक्सीलेटर का। हमें क्या करना है, 5 मिनट इसको गाड़ी को स्टार्ट कर लेनी है। गाड़ी स्टार्ट है, अब क्या करना होगा, इसकी पहले हम रेस बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने इसकी रेस बढ़ा दी है, आस्ता आस्ता खोलना है इस तरीके से। इसको यहीं पे छोड़ देना है आपने, और इस मिक्सर को इस तरीके से आपने स्लो कर देनी है रेस इसकी।
इस तरीके से हमने स्लो कर देनी है। और इस जेड को ये जो मिक्सर होता है छोटा वाला दोस्तों खोल के साफ भी कर सकते हैं, ये वाला मिक्सर को खोल के साफ भी कर सकते हैं और खोल के 5 मिनट स्टार्ट भी करके आप कर सकते हो सेटिंग, उससे थोड़ी सी एवरेज और सेटिंग हो जाती है 5 मिनट। अच्छा ये जो चौक है कभी चौक ऐसे हो जाती है फ्री हो जाती है चौक, तो दोस्तों ये होस पाइप हम खोलना होता है, इसमें आंगली लगा के चेक करना होता है कि हमारा चौक काम कर रहा कि नहीं कर रहा, पत्ती जो होती है कभी कभी ऐसा होता है कि ये चौक के अंदर स्प्रिंग होता है ना वो निकल जाता है, तो चौक ऐसा लगा था है मगर पत्ती जो है ना वो थोड़ी डाउन हो जाती है जिससे एवरेज हमारी ख़राब हो जाती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी ये सीन हो जाता है कि पत्ती हमारी ऑफ रहती है और ये लोग हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओके हैं, तो कभी कभी स्प्रिंग के चक्कर में हो जाता है ऐसा सिस्टम, तो इसे खोल के भी चेक कर लिया करो कि ये हमारा पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब तक हम इसको खोल के नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा ढंग से, तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। तो 1 किलोमीटर चला के देखो, अगर आपकी प्लग में कुछ फ़र्क नज़र आता है तो समझो दोस्तों आपकी गाड़ी एवरेज सेटिंग आ गई है, अगर नहीं आता तो दोबारा दोस्तों करनी पड़ेगी सेटिंग वेटिंग, ये है इसका सिस्टम, ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है, सफाई करके काम कीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों लाइक और शेयर करते रहना, जैसे भी आपको दोस्तों मैं वीडियो बता रहा हूँ, जैसे मैंने कार्बोरेटर के बारे में बताया खोलते हुए, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कार्बोरेटर के बारे में बता दिया है, अब इसके सेटिंग करने के बारे में बता दिया है, दोस्तों कभी भी आप दिक्कत आए तो इस तरीके से कर लीजिए कोई समस्या नहीं आएगी। चौक के बारे में मैंने आपको खुलासा मैंने कर दिया इस वीडियो में, तो दोस्तों जुड़े रहिए, लाइक करिए शेयर करिए जितना हो सके जिससे मैं और वीडियो दिखाता रहूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहाँ तक थी, जय हिंद।